हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिक्टिक वाओ क्रिएशन। और आज मैं लेकर आई हूँ एलकेजी और नर्सरी की फाइनल असेसमेंट वर्कशीट्स, क्योंकि अभी फैब मंथ चल रहा है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो किस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और किस तरीके से एग्ज़ाम में वर्कशीट्स आती हैं, किस तरीके से हम उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उनको तैयारी करवा सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर है। तो इसी तरीके की लेवल अप एंड डाउन करके एलकेजी और नर्सरी का लेवल की ये वर्कशीट्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट्स। एलकेजी नर्सरी फाइनल असेसमेंट वर्कशीट है। इन वर्कशीट की हेल्प से आप इनको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी है मैच द लेटर। इसमें कुछ एक ट्री मैंने बनाया है और इसमें कुछ लेटर्स को लिखा है, तो बच्चों को मैच करने के लिए दिया जा सकता है कि लेटर टू लेटर मैच करना है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो डायग्राम के उसमें भी हो सकता है और सिंपल वे में भी लिखा हो सकता है। तो ए से ए को मैच करना है, तो बच्चा ढूंढेगा कि ए इधर लिखा है तो दूसरा वाला ए कहाँ है, और इसको इससे मैच करेगा। ई को ई से मैच करना है, के को के से मैच करना है। लेटर टू लेटर बच्चों को मैच करना है। थोड़ा डायग्राम बनाकर देंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज सिंपल आप लिखकर भी दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैच द लेटर वर्कशीट। ये वाली वर्कशीट स्पेशली रिकॉग्निशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को रिकॉग्निशन है कि ये लेटर एम है तो ही वो एम से एम को मैच कर पाएगा। तो रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जहाँ आपको लगता है, जिन लेटर्स के में आपको लगता है कि बच्चा ये वाला लेटर नहीं पहचान पा रहा है, तो इस तरीके से आप उसे दे सकते हैं। सेकंड वर्कशीट है कलर माय साउंड। अगर बच्चे को पिक्चर से रिलेटेड साउंड उसके क्लियर है, ये बॉल है, बॉल ब ब बॉल, तो बॉल किससे रिलेट करेगा, सी से, बी से और ई से। अगर बच्चे के साउंड क्लियर हैं तो बच्चा अपना जो भी इसका होगा लेटर उसको सर्कल करेगा। सर्कल करेगा या कलर कर सकते हैं, आप बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं कि जैसा उसे ठीक लगे। अगर बच्चे को कलर करना है तो आप कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे ये बी फॉर बॉल है तो बी वाले लेटर को कलर करना है, बी फॉर बॉल। अगर कलर नहीं करना है तो सर्कल के लिए भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ फिश, एफ को सर्कल करना है। ये है लैम्प, तो एन से रिलेट नहीं कर रहा साउंड, एम से रिलेट नहीं कर रहा, रिलेट कर रहा है लैम्प एल से, तो वो एल को सर्कल करेगा। तो ये साउंड से रिलेटेड वर्कशीट है। तो साउंड जिन बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है ये वाली वर्कशीट। एस फॉर सन, वी फॉर वैन। अगर बच्चा कलर करना चाहे तो कलर करना इजी है, अगर उसको सर्कल करना है तो सर्कल कर सकता है, अगर उसे कलर करना है तो कलर कर सकता है, जैसे उसकी इच्छा। और ये पिक्चर्स जो हैं बाद में इनको भी उसे कलर करने के लिए आप बोल सकते हैं। तो ये साउंड पे बेस्ड वर्कशीट है। इस तरीके की वर्कशीट एग्जाम्स में आ सकती है, इसकी भी प्रैक्टिस हम करा सकते हैं। इस तरीके की वर्कशीट भी एग्जाम्स में आती है। फिर आता है सर्कल द फर्स्ट करेक्ट लेटर। सेम इसी तरीके की है, वही चीज़ है कि आपको पिक्चर देखना है और पिक्चर से रिलेट करके जो भी लेटर है पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको सर्कल करना है। तो एम फॉर मैंगो, एम एन ओ, इनमें से किसको सर्कल करना है। ये वाली जो वर्कशीट है वो क्रिटिकल थिंकिंग को भी बहुत इम्प्रूव करती है। एम फॉर मैंगो, क्योंकि बच्चा सोचता है कि मैंगो है तो एम से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा या ओ से स्टार्ट होगा। तो ये वाली वर्कशीट आप कराएं। बच्चे जब इनमें डिफरेंस करना सीखते हैं, लेटर टू लेटर डिफरेंस जो है बच्चों का क्लियर होता है। डब्ल्यू फॉर वॉच, टी फॉर ट्री। और कोशिश करें हर बार, जैसे डब्ल्यू फॉर वॉच मैंने इस बार बनाया, तो आप डब्ल्यू फॉर विंडो नेक्स्ट टाइम बनाएं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बच्चे को
अकॉर्डिंग टू लेटर इंट्रोड्यूस करें. एच फॉर हैट, आई फॉर आइसक्रीम, के फॉर काइट. अगर बच्चे को इस तरीके से वर्कशीट बनाकर आप देते हैं ना, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से उसको करते हैं और इसी तरीके की वर्कशीट भी एग्जाम्स में आती है. फिर आता है राइट द मिसिंग लेटर. अब हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिख दिया, उसके बाद के सारे लेटर बच्चे को लिखने हैं. अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर उनको ए टू जेड आता होगा तो बच्चे इसको ईजीली कर लेंगे. अगर नहीं आता होगा तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है. ए, ए के बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट इसमें बच्चे का क्लियर होता है. ए, ए के बाद मिसिंग लेटर, बी, देन सी, डी, ई एंड एफ. तो चाहे तो आप इसमें बीच बीच में कोई एक लेटर लिख भी सकते हैं. जैसे जे मैंने यहाँ लिख दिया तो एम मैंने यहाँ लिख दिया. दो लेटर्स भी दे सकते हैं बीच में, आप कितने भी छोड़ छोड़ कर भी लिख सकते हैं. तो मिसिंग लेटर जो है बच्चे की सीक्वेंसिंग में काम आता है. सीक्वेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों का इसमें मिसिंग लेटर वर्कशीट से क्लियर होता है कि बच्चे को सीक्वेंस आता है कि नहीं आता है, कि ए के बाद बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है. मेमोरी उसकी ये शार्प करती है ये वाली वर्कशीट, मिसिंग लेटर वाली. जे, के, एल, एम, एन, ओ. उसी तरीके से पी, कोई सा भी लेटर आप लिख कर दे सकते हैं. थोड़ा सा उसको डायग्राम में बना कर दें तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है. पी, यू, आर, एस, टी, यू. उसी तरीके से धीरे धीरे सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे. जहाँ आपको लगता है कि बच्चे का कहाँ से सीक्वेंस गड़बड़ होता है, वहीं से आप उसको मिसिंग लेटर की ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं. ये वाली जो वर्कशीट है वो सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. फिर हमारा नेक्स्ट आता है मैच द लेटर विद द पिक्चर. तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए, इनको वो पहले मैच कर लेगा, उसके बाद इनको कलर भी कर सकता है. ए फॉर एप्पल, तो ए से मैच करना है. जे फॉर जग, जे से मैच करना है. डी फॉर ड्रम, तो डी से मैच करना है. कभी आप डी फॉर डॉग बनाइए, ड्रम बनाइए. एस फॉर स्टार, एस फॉर सन बनाइए. हर बार उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करें. और थोड़ी बहुत पेंटिंग और थोड़े बहुत पिक्चर्स तो हम सभी बना सकते हैं अपने बच्चों की प्रैक्टिस के लिए. तो इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी आर्ट का अच्छा होना मायने नहीं रखता. छोटे मोटे आप बनाइए, या बच्चों को खुद बोले कि खुद ही ड्रॉ कीजिए, वो तो बहुत अच्छी बात होगी. यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है. तो इस तरीके से ये वाली वर्कशीट, ये इस तरीके की वर्कशीट भी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आती हैं. और इनको करवाने से पहले, ये डिफरेंस वाली वर्कशीट्स को कराने से पहले ये वाली वर्कशीट को ज़रूर कराएं. पहले ये करवाएं, फिर इन पर आए. फिर इसके बाद आती है कलर द फ्लावर्स विद द लेटर. ए, रेड कलर. बी, येलो कलर. सी, ब्लू कलर. तो मैंने इसीलिए इनको कलर से किया है क्योंकि बच्चों को पढ़ना तो आता नहीं है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है. इसलिए ए जहाँ पर लिखा होगा वहाँ उन्हें रेड कलर करना है, जहाँ बी लिखा है वहाँ उन्हें येलो कलर करना है, और जहाँ सी लिखा है उन्हें ब्लू कलर से कलर करना है इन फ्लावर्स को. तो ये मैंने कुछ फ्लावर बनाए हैं. तो जहाँ जहाँ ए लिखा है बच्चा उन फ्लावर्स को रेड कलर में करेगा, और जहाँ बी है वहाँ वो येलो कलर यूज़ करेगा, और जहाँ पर सी लिखा है वहाँ पर ब्लू कलर यूज़ करेगा. लाइक मैंने बी ले लिया तो मैं इन फ्लावर्स को कलर कर रही हूँ. बच्चों को आप स्केच पेन ना दें, बच्चों को तो क्रियॉन्स कलर ही दें, क्योंकि नर्सरी और एलकेजी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं. क्रियॉन उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, उससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं और उनकी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है. जैसे जिन बच्चों को पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है उनको क्रियॉन्स दिए जाते हैं कलरिंग करने के लिए, ताकि उनकी ग्रिप अच्छी बने. ए को रेड कलर से करना है,
ये वाली वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसको करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। तो इस तरीके से जहां जहां ए लिखा है वहां रेड कलर से कलर होगा, जहां बी लिखा है वो येलो कलर से करना है और सी को ब्लू कलर से कलर करना है। तो ये थोड़ा सा फनी वर्कशीट है बच्चों के लिए, फन के लिए, क्योंकि उनको कलरिंग पेंटिंग है ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद होती है। फिर उसके बाद हमारी लास्ट वर्कशीट आती है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर। अभी तक हमने क्या करवाया था, अभी तक हमने मैच करवाया, सबसे पहले इसको करवाना है ये वाला। जब बच्चे करने लगे तो फिर उनको आगे इस वाली वर्कशीट पर लाना है जहाँ पर वो तीन लेटर्स में से चूज़ करना सीखेगा, ये वाली करवानी है। फिर जब उनका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद लास्ट में ये वाला वर्कशीट करवानी है जिसमें बच्चों को आप पिक्चर बनाकर देंगे और फिर उनको उस पिक्चर से रिलेट करता हुआ जो भी पिक्चर से रिलेटेड जो लेटर होगा बच्चा उसको यहाँ लिखेगा। तो ये लास्ट में करवानी है ये वाली वर्कशीट, इससे पहले आगे वाली वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करवानी है फिर ये करवाना है। जैसे ई फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट की पिक्चर देख के बच्चों को पता चलेगा कि हाँ ये ई से स्टार्ट होता है तो बच्चा यहाँ पर ई लिखेगा। जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हाउस, एन फॉर नेट, पी फॉर पेन एंड ओ फॉर ऑरेंज। तो इस तरीके से ये वाली वर्कशीट करवानी है। अभी तक बच्चा क्या कर रहा था, सिर्फ मैच कर रहा था, सर्कल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बच्चे खुद लिख रहे हैं तो इसका मतलब उनका रिकग्निशन कंप्लीट हो चुका है, उनकी पहचान बहुत अच्छी मजबूत हो गई है, इसलिए अब हम ये वाली वर्कशीट करवा सकते हैं। और जब बच्चा ये वाली वर्कशीट करने लग जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को ए टू जेड का रिकग्निशन कंप्लीट हो गया है, ए टू जेड उसे अच्छे से आ गया है। तो ये थी आज की कुछ इंग्लिश की वर्कशीट्स जो कि अभी फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाली है, बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो या आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टिक टिक वाओ क्रिएशन। थैंक यू।